जहाँ तक कल पढ़ाया था उसके आगे सोयाबीन जो है उसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में ज्यादा होती है। 2008 की ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाला अभिनव बिंद्रा अभी ओलंपिक के ऊपर जो इम्पोर्टेंट सवाल आ चुके हैं इस प्रकार है, ओलंपिक में पहला मेडल प्राप्त करने वाला केडी यादव 1952, ओलंपिक में पहला मेडल प्राप्त करने वाला भारतीय केडी यादव 1952 रेसलिंग के क्षेत्र में। उसके बाद में दूसरा 96 में लैंडर पेस जो है लॉन टेनिस के अंदर उसे 1996 में पहली भारतीय महिला ओलंपिक में मेडल प्राप्त करने वाली मलेश्वरी को 2000 की ओलंपिक सिडनी ऑस्ट्रेलिया में कांस्य पदक मिला क्षेत्र भार तोलक वेटलिफ्टिंग। उसके बाद में पहला सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाला राजवर्धन सिंह राठौर की ओलंपिक खेले जो यूनान एथन में हुई उसमें उसे सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ शूटिंग का क्षेत्र। पहला भारतीय ओलंपिक में दो मेडल प्राप्त करने वाला एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज। प्राप्त करने वाला रेसलिंग के क्षेत्र में सुशील कुमार पहले कांस्य पदक प्राप्त हुआ उसे 2008 की ओलंपिक खेले जो बीजिंग में हुई और 2012 में लंदन में उसे सिल्वर मेडल प्राप्त कर दो मेडल प्राप्त करने वाला। पहली महिला बॉक्सिंग में मैरी कॉम, पहली महिला बैडमिंटन में सेना नेहवाल, पहली महिला बैडमिंटन में सिल्वर पाने वाली पीवी सिंधु और रेसलिंग के क्षेत्र में कोई भी इनमें से आ सकता है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। अभी सबसे ज्यादा जो नुकसान है अफगान आया था चक्रवाती तूफान पश्चिम बंगाल में जिसका नाम अफगान था, वो उससे सबसे ज्यादा नुकसान सुंदरवन में हुआ है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। कभी ये भी सवाल आता 24 परगना कहाँ है, 24 परगना जो है वो भी पश्चिम बंगाल में है। वहां भी अफगान के कारण गोवा की राजधानी पणजी बन सागर बांध नदी सोन मध्य प्रदेश, वन सागर बांध सोन नदी के ऊपर मध्य प्रदेश में है। बहुत वर्ष वाला चुका है। मिजोरम की राजधानी आइजोल,
मिजोराम की राजधानी आइजोलाय तो और कम आए हैं, 105, 106, 108 पर ही घूम रहे, 110, 11, 12 तक ही, वेरी बैड। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्मदाता, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर 5-6 सवाल आते हैं। सबसे पहले सवाल आता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्मदाता कौन है, ए ओ हूं, ए ओ हूं। 1885 में ए ओ हूं ने इसकी स्थापना की। तीसरा सवाल आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला प्रधान कौन था, डब्ल्यू सी बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला प्रधान डब्ल्यू सी बनर्जी। और लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का एनी बसंत ने बाल गंगाधर तिलक के साथ होम रूल आंदोलन में भाग लिया, ये भी सवाल आ चुका है। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945, 1939 में आरंभ हुआ और 1945 में समाप्त हो गया। भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह, भारत के पहले डिफेंस अभी है राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, भील जनजातिया किस प्रदेश में सबसे अधिक है, भील जनजातिया मध्य प्रदेश में सबसे अधिक, भील जनजाति मध्य प्रदेश में सबसे अधिक। उसके बाद राजस्थान का मालवा, पश्चिम बंगाल और बिहार में भी भील है, कुछ थोड़े से महाराष्ट्र में भी है भील। अल्प्स पर्वत श्रृंखला यूरोप में है, अल्प्स पर्वत श्रृंखला यूरोप में है। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में। कुराकोरम पर्वत श्रृंखला जो है वह एशिया में है। और अगर स्थान पूछा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो पर्वत श्रृंखला उसको कुराकोरम पर्वत श्रृंखला कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसको K2 कहते हैं, जो कुराकोरम 2 है उसका नाम कुराकोरम रेंजेस में है, K2 का है कुराकोरम रेंजेस, K2 के इंग्लिश का वर्ड उसके नीचे दो K2, तो K2 जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कुराकोरम रेंज में है। कुराकोरम रेंज जो है ये जहाँ से हिमालय रेंज खत्म हो जाता है उसके बाद में कुराकोरम रेंज लग देते हैं, पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक ये कुराकोरम रेंज जाता है। देश छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942, देश छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 की एक किताबों में 8 अगस्त लिखा है। महात्मा गांधी ने नारा दिया करो या मरो, ये सवाल आ चुका है कि देश छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया। और लड़कियों के टेस्ट में बहुत बार सवाल आ चुका कि उस समय देश के गवर्नर जनरल कौन थे, लिनथिनगो। उस समय देश के गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड लिनथिनगो थे,
लॉर्ड लिंकन गो थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बहुत बार सवाल करा दिए मैंने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देता है। बार बार आ रहा है यह सवाल, हाईटेक सिटी हैदराबाद और आईटी सिटी बेंगलोर, पिछली बार आया हुआ था, कोल सिटी किसको कहते हैं, धनबाद, कोल सिटी धनबाद, स्टील सिटी जमशेदपुर, स्टील सिटी जमशेदपुर, झीलों का शहर उदयपुर, झीलों का नगर उदयपुर, और नवाबों का शहर लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ, सिटी ऑफ जॉय कलकत्ता, सिटी ऑफ जॉय कलकत्ता, झीलों का देश फिनलैंड, झीलों का देश फिनलैंड, घाटों और मंदिरों का नगर वाराणसी, घाटों और मंदिरों का नगर वाराणसी, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड, इसकी राजधानी है ओस्लो, बार बार सवाल आ रहा है, मध्य रात्रि सूरज उदय का देश नॉर्वे, राजधानी ओस्लो, लेकिन सूर्योदय का देश जापान, सूर्योदय, एक बार क्लर्कों के टेस्ट में दोनों क्वेश्चन कट्ठे ठोक दिए हुए, उसने सूरज उदय का देश लिखा और मध्य रात्रि सूरज उदय का देश, लाइटली मत लो इसको, कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया, कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया, स्वर्ण घूपों का देश म्यांमार, स्वर्ण घूपों का देश म्यांमार, पैरामिड मिश्र के पैरामिड हैं, मिश्र के पैरामिड हैं, ज़ेब्रा नामक पशु जो है साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, ज़ेब्रा अफ्रीका में पाया जाता है, ज़ेब्रा, शुतुरमुर्ग अफ्रीका में पाया जाता है, शुतुरमुर्ग भी अफ्रीका में पाया जाता है, शुतुरमुर्ग अफ्रीका में पाया जाता है, सफेद हाथी थाईलैंड, सफेद हाथी थाईलैंड, कंगारू जैसे वो ऑस्ट्रेलिया, पांडा, पंडा पंडा पांडा कहते हैं, चीन, चीन में पाया जाता है, दुर्लभ जाति का है, सांप सबसे ज्यादा ब्राजील में पाए जाते हैं, किस्म किस्म के सांप जो है ब्राजील में पाए जाते हैं, सांपों का देश कहते हैं ब्राजील, सांपों का देश ब्राजील, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज के लेखक नेहरू, जैसे मैं कह रहा था जो कुछ किताबें हैं बार बार आ रही हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक नेहरू, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ गांधी, लज्जा तस्लीमा नसरीन, स्टैनक वर्सेस सलमान रश्दी, मेघदूत कालिदास, पकालू दरालू रूबरी भरद्वाज, स्लम डॉग मिलियनेयर विकास स्वरूप, हाफ ए लाइफ बी एस नेपाल, हाफ गर्लफ्रेंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आजाद,
रामचरितमानस तुलसीदास गोदान मुंशी प्रेमचंद दी गाइड आर के नारायण दूसरी किताब उसने लिखी है मालगुडी डेज मेरी 51 कविताएं अटल बिहारी वाजपेयी और मेरी संसदीय यात्रा दो किताबें लिखी हैं उसने रोमांसिंग विद लाइफ देवानंद द टेक्स्ट ऑफ माय लाइफ युवराज सिंह द टेक्स्ट ऑफ माय लाइफ युवराज सिंह द रेस ऑफ माय लाइफ मिल्खा सिंह द रेस ऑफ माय लाइफ मिल्खा सिंह अर्थशास्त्र कुटलिया अष्ट दिहाई पाननी राज तरंगनी कलहन राज तरंगनी कलहन अर्थ शास्त्र हो गया सत्य अर्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सत्य अर्थ प्रकाश स्वामी दयानंद ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान खुशबू से इग्नाइटेड माइंड एपीजे अब्दुल कलाम दो किताबें उसकी और इम्पोर्टेंट है विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम और नेक्स्ट किताब उसकी है माय जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग माय ड्रीम्स इनटू एक्शन माय जर्नी Transforming my journey, transforming wings of fire जो है एपीजे अब्दुल कलाम है एपीजे अब्दुल कलाम लेकिन लाइन ऑफ फायर परवेज मुशर्रफ लाइन ऑफ फायर परवेज मुशर्रफ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आ चुकी है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला As you like it, William Shakespeare. As you like it, William Shakespeare. War and Peace बहुत बार आ चुका है War and Peace, Lew Tolstoy. War and Peace, Lew Tolstoy. Wealth of a Nation आ चुका है Adam Smith. Wealth of a Nation, Adam Smith. Macbeth, William Shakespeare. Macbeth William Shakespeare तो ये जो मैंने जितनी भी किताबें बताई हैं कोरा कागज अमृता प्रीतम The Exile लेटेस्ट किताब है तस्लीमा नसरीन की The Exile जिसको कहते हैं निर्वसन तस्लिमा नसरीन ये इंपॉर्टेंट किताबें हैं बार 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 आ रही है यार योजना आयोग का गठन योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ बहुत बार सवाल आता था पहले अभी भी आ सकता है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ चुका है सवाल आ चुका है योजना आयोग के ऊपर कौन सी संस्था आई है नीति आयोग नीति आयोग जो है 2015 से स्टार्ट हुआ फंक्शनिंग स्टार्ट हुआ जनवरी से नीति आयोग का चेयरमैन देश का प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का उप चेयरमैन राजीव कुमार अरे भारत में मध्य एशिया से आए थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेटेड उसने करना है तो सीधा सवाल नहीं पूछेगा अगर सीधा सवाल पूछेगा कि आर्य भारत में कहाँ से आए सीधा क्वेश्चन है उसका मध्य एशिया सेंट्रल इंडिया दूसरे तरीके से वो पूछता है कि मैक्स मुलर के अनुसार आर्य भारत में कहाँ से आए मैक्स मुलर उसका आंसर भी यही है मैक्स मुलर के अनुसार आर्य भारत में
मध्य एशिया से आए मैक्स मुलर के अनुसार। गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य भारत में कहां से आए, ये सवाल आ चुका चंडीगढ़ में टेस्ट में और दिल्ली में भी। तो कैस्पियन एरिया से जो है आर्य भारत में आए बाल गंगाधर तिलक के अनुसार। लेकिन अगर सीधा सवाल आ जाए कि आर्य भारत में कहां से आए, मध्य एशिया, सीधा सवाल, तो ये देख लेना आपने। संविधान के अनुसार राज्यसभा एक स्थायी सदन है। संविधान कल भी मैंने पढ़ाया, संविधान के अनुसार राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, राज्यसभा का जो एमपी है उसका कार्यकाल है 6 वर्ष, लेकिन राज्यसभा जो है एक परमानेंट हाउस है, ये भंग नहीं हो सकता। लोकसभा भंग हो सकती है, मैं बार बार कराता हूं और बार बार गलत कर आते हो तुम लोग। सिक्किम का सबसे बड़ी नदी जो है नदी टीस्ट है, जैसे असम की जो मेन बड़ी नदी है वो ब्रह्मपुत्र है, ये सवाल आ चुका है। लद्दाख की जो सबसे बड़ी नदी है वो सिंध है। श्रीनगर एरिया की सबसे बड़ी नदी झेलम है। और दक्षिण की गंगा गोदावरी है, ये सवाल बार बार आ रहे हैं। और सबसे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा कहां से शुरू होती है, गोमक, कभी कभी सवाल आ चुका है उसके किनारे का गोमक, एक गोमक से शुरू होती है अलाहाबाद, अलाहाबाद के बाद में आती है आपका इसमें वाराणसी, वाराणसी के बाद पटना, पटना के बाद में फिर आ जाती है फराखा बांध के ऊपर। फराखा बांध जो है वह गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। जब फराखा बांध से गंगा नदी पार होती है तो वो बन जाती है हुगली, तो इसलिए कहते हैं कलकत्ता जो है वो हुगली नदी के किनारे है। और ये गंगा नदी जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सवाल आ चुका है कौन कहाँ गिरती है, ये भी सवाल आ चुका है। ब्रह्मपुत्र कहाँ गिरता है, वो भी बंगाल की खाड़ी में। इस तरफ बंगाल की खाड़ी है, दूसरी तरफ है अरब सागर, रावि, चनाब, झेलम, सिंध, जितनी वे पाकिस्तान को होकर नदियां जाती हैं, ये जाकर सब के सब अरब सागर में जाकर गिरती हैं। कई तरह रास्ते जी खत्म हो जाती हैं। अगला सवाल वही है, मध्य रात्रि सूरज उदय का देश नॉर्वे। अगर आगे वाला सवाल है, स्वर्ण चतुर्भुज योजना किससे संबंध रखती है, स्वर्ण चतुर्भुज योजना सड़क के निर्माण से संबंध रखती है। सड़क के निर्माण नदी के ऊपर है, अलमती बांध कृष्णा नदी कर्नाटक में है, अलमती बांध कृष्णा नदी कर्नाटक। फिर आ गया ये यूरोप से भारत तक के समुद्र के रास्ते की खोज करने वाला कौन है, वास्को डी गामा के ऊपर जो सवाल और आ चुके, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, पुर्तगाल के रहने वाला था। वो पहला यूरोपियन भारत में व्यापार के लिए आने वाला, आक्रमण के लिए नहीं, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति सिकंदर है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति सिकंदर। लेकिन भारत में व्यापार के लिए सबसे पहले यूरोप से
से वास्को डी गामा आया। वास्को डी गामा और उसके बाद में दूसरा सवाल आता है कि भारत में व्यापार के लिए सबसे पहले कौन आए? फ्रांसीसी, पुर्तगाली अंग्रेज और फ्रांसीसी। लेकिन भारत में पहली जो फैक्ट्री है वो अंग्रेजों ने कालीकट में लगाई। गलत बोल दिया। भारत ने पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई, सूरत में। भारत में पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने सूरत में लगाई और जहांगीर के कार्यकाल में लगाई। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री भारत में सूरत में लगाई। सूरत कहाँ? गुजरात में है। और उस समय जहांगीर का राज्य था। लेकिन पहले व्यापार के लिए भारत में पुर्तगाली से पहले कालीकट में आया, जो मैंने गलती से कहा कालीकट में। कालीकट केरल में है। तो वास्को डी गामा सबसे पहले भारत में कालीकट में आया और उसने यूरोप से भारत तक के समुद्र के रास्ते की खोज की, जो केप ऑफ गुड होप से कराता है। केप ऑफ गुड होप, सवाल आ चुका, केप ऑफ गुड होप कहाँ है? साउथ अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका का आखिरी किनारा, जैसे कन्याकुमारी भारत का आखिरी किनारा है, उसी प्रकार केप ऑफ गुड होप भी साउथ अफ्रीका का आखिरी किनारा है। सवाल आ चुका, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका का आखिरी किनारा। तो वास्को डी गामा पहला व्यक्ति जिसने यूरोप से भारत तक के समुद्र के रास्ते की खोज की, क्योंकि उस समय स्वेज नहर नहीं था। अभी स्वेज नहर के ऊपर जो सवाल आ चुके हैं इस प्रकार हैं। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। रेड स्वेज नहर को यातायात के लिए 1869 में खोला ट्रैफिक के लिए। उसके पहले घूम कर आते थे जहाज, तो यातायात के लिए 1869 में खोला। और स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ। राष्ट्रीयकरण करने वाला मिश्र का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट नासर का जिक्र और भी आता है। नॉन अलाइनमेंट, जिसको कहते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन का जनक पंडित नेहरू। गुट निरपेक्ष आंदोलन का जनक पंडित नेहरू। गुट निरपेक्ष में भी 119 देश हैं। गुट निरपेक्ष, जिसको कहते हैं नॉन अलाइनमेंट कंट्री। इसमें एक और सवाल आता है, गुट निरपेक्ष के चार बड़े नेताओं का नाम ने ये गुट निरपेक्ष आंदोलन आरंभ किया है। इंडिया के राष्ट्रपति सुकार्नो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो, भारत के उसमें के प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री नेहरू, मिश्र के राष्ट्रपति नासिर, मिश्र के राष्ट्रपति नासिर और योगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो। तो मार्शल टीटो, नासिर, नेहरू और सुकार्नो, ये चार फाउंडिंग मेंबर हैं गुट निरपेक्ष के। और सवाल आ चुका है, पहले बहुत सवाल ये आता था, शून्यकाल जो है वह
लोकसभा में एक घंटे का होता है, शून्य काल एक घंटे का होता है। शून्य के काल से पहले को कहते हैं सवाल पूछते, पहला जो घंटा है वो है क्वेश्चन आर्स का, उसके बाद जो एक घंटा होता है वो लोकसभा का, वो है उसको कहते हैं जीरो, शून्य काल। बहुत बार पिछली बार सवाल आया हुआ ये शून्य काल एक घंटे का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, साउथ अफ्रीका की मुद्रा लिखो। मुद्रा के बारे में बार बार मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आ जाए मुद्रा के बारे में आसान सवाल है तो इम्पोर्टेंट कंट्रीज के आते हैं, मैंने बार बार आपको करा दिया हुआ है। तो साउथ अफ्रीका की मुद्रा रैंड। रणजीत सागर बांध रावी नदी के ऊपर, रणजीत सागर बांध रावी नदी पंजाब में है, इसे थीन बांध भी कहते हैं, थीन पंजाबी थिंड बांध कहते हैं, थिंड थीन बांध रणजीत सागर नदी के ऊपर रवि है, नदी है रावी नदी। रावी नदी का पानी इकट्ठा कर जो रोक कर डैम बनाया है, झील बनी है, उसका नाम झील बनी है, उसका नाम है रणजीत सागर। जैसे ये सतलुज का पानी इकट्ठा कर गोविंद सागर बना है और गोविंद सागर के ऊपर है भाखड़ा डैम, उसी प्रकार रावी नदी का पानी जो इकट्ठा किया हुआ उसके ऊपर जो डैम बना हुआ है उसको कहते हैं रणजीत सागर बांध। जो पीछे बांध जो झील है उसका नाम है रणजीत सागर, इसे थीन बांध भी कहते हैं, थीन बांध रावी नदी के ऊपर, रणजीत सागर बांध रावी नदी के ऊपर, रणजीत सागर बांध रावी नदी के ऊपर, रणजीत सागर झील के ऊपर बना हुआ बांध थीन बांध। भारत में पहला चुनाव 1952 में हुआ, बहुत बार सवाल आ चुका है। भारत में पहला चुनाव 1952, पहली पंचवर्षीय योजना 1951, दिल्ली में पहली एशियन खेले 90, और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। योजना आयोग का गठन 1950। बार बार सवाल आ रहे हैं। जवाहरलाल सुरंग जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में ये है, पीरपुरा पंजाब रेंजेस में है। विश्व का पहला खिलाड़ी जो टेस्ट क्रिकेट के पहले ही ओवर में हैट्रिक लगाने वाला इरफान पठान भारत का वो खिलाड़ी है जिसने टेस्ट क्रिकेट में पहले ही ओवर में हैट्रिक लगाई, इरफान पठान। सौरमंडल का सबसे बुध जो है वो सूर्य का सबसे निकट का ग्रह है, लेकिन वो गर्म नहीं है। ये सवाल जो है वो बार बार एक ये, दूसरा लाल ग्रह कौन सा है, मंगल, लाल ग्रह मंगल, बार बार सवाल आते हैं ये। अगला सवाल बहुत बार कराया है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से आरंभ की, अहमदाबाद। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा अहमदाबाद से
से आरंभ की। इसी का साथ कहां से शुरू हुआ? 1857 की क्रांति मेरठ से आरंभ हुई। दो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं और इसी तरीके से आते हैं कि भारत की पहली क्रांति दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने कहां से आरंभ की? अहमदाबाद से, साबरमती के आश्रम से अहमदाबाद, और समाप्त हुई दांडी में जाकर, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, 1930। बहुत बार सवाल आ चुका है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। विश्व की सबसे लंबी नदी नील, विश्व की सबसे लंबी नदी नील भारत की गंगा, और विश्व की सबसे लंबी नदी नंबर दो में साउथ अमेरिका में, और नील नदी अफ्रीका में। सवाल आ चुका है कौन से महाद्वीप में है नील नदी? अफ्रीका में। कहरा जो है, कहरो या कहरा जिसको कहते हैं, वो नील नदी के किनारे स्थित है। भारत के बिस्मार्क किसको कहते हैं? बिस्मार्क जो था उसको कहते थे मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन बिस्मार्क। बिस्मार्क जो था वो जर्मनी का रहने वाला था, उसने बहुत खून की, बहुत सख्त आदमी था। वो कास्ट जो मैंने पढ़ाया है वो नाजियों की बहुत बहुत नाजी मार दिए, नाजियों ने जो इजरायली जो ज्यू है बहुत ज्यादा ज्यूज को मारा, उसको होलोकास्ट कहते हैं अंग्रेजी में, मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाया था। तो बिस्मार्क जो था उसको मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन कहते हैं, और भारत का बिस्मार्क जो है सरदार पटेल को कहते हैं। सवाल आ चुका है, जैसे भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त, भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त, उसी तरह इसको कहते हैं भारत का बिस्मार्क सरदार पटेल। और बिस्मार्क कौन है? मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन। सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह बुध, सूर्य के मैंने ये ग्रह सब ग्रह आ जाता है ज्योग्राफी में, तो सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह बुध। अगला क्वेश्चन, मोहिंजोदारो की खोज आरडी बनर्जी ने 1922 में की। मोहिंजोदारो की खोज आरडी बनर्जी ने 1922 में की। मोहिंजोदारो जिसको मृतकों का टीला कहते हैं, मोहिंजोदारो से 3 तत्व प्राप्त हुए, विषान स्नान ग्रह नंबर 1, नंबर 2 पशुपति की मोर, नंबर 3 कांस की नृत्य की मूर्ति। ये तीनों सवाल आ चुके हैं बार बार, और चौथा मोहिंजोदारो कहाँ है? पिछली बार टेस्ट में आया हुआ मोहिंजोदारो पाकिस्तान, हड़प्पा है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में है, पंजाब में है, पाकिस्तान के पंजाब में। और एक सवाल उसके बारे में और भी आया होगा, ये किस नदी के किनारे पर है? ये रावी नदी के किनारे पर है, और मोहिंजोदारो सिंध नदी के किनारे पर स्थित है। हड़प्पा की खोज दियारा साल 1921 में की। हड़प्पा से विशाल अन्न ग्रह पाया गया। ये सब सवाल बार बार आ रहे हैं। हीराकुंड बांध विश्व का और भारत का सबसे लंबा बांध। हीराकुंड बांध विश्व और भारत का सबसे लंबा बांध। अजमत अमजद
अली खान सरोद वादक, अमजद अली खान सरोद वादक, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, रवि शंकर सितार वादक, रवि शंकर सितार वादक, एम एफ हुसैन चित्रकार, सुधीर तेलोंग कार्टून, अमृता शेरगिल पेंटिंग, पंडित जसराज गायक, तो ये इम्पोर्टेंट है। बिस्मिल्ला खान शहनाई वादक, जाकर हुसैन जो बाल ऐसे ऐसे करता है, जाकर हुसैन तबला मास्टर। तो बार बार ये सवाल आ रहे हैं। संथल पहले मैंने भील पढ़ाया है, भील का क्वेश्चन आया हुआ, ये आ गया संथल का क्वेश्चन। सबसे ज्यादा जो संथल है भारत में वो झारखंड में है, संथल झारखंड में है संथल। ये जो जनजातियाँ मैंने पढ़ा दी है, 5-6 जनजातियाँ बार बार आ रही हैं। 2 तो जो एक भील पढ़ा दिया, दूसरा संथल आ गया, तीसरा कुकी जनजातियाँ, मणिपुर की जनजाति है कुकी मणिपुर। मेघालय में 2-3 जनजाति तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, गारो है, जयंतिया है, खासी है, जयंतिया खासी और उसके बाद संगमा, ये 4 है। लेकिन सबसे बड़ी जो जाति है वो है गारो। गारो की पॉपुलेशन ज़्यादा है। खासी थोड़े से असम में भी है, जो मेघालय के साथ में असम का बॉर्डर लगता है उसमें भी, जब नीचे से असम से मेघालय को ऊपर को जाओ तो नीचे जो पहाड़ियों में वह कुछ खासी वहाँ भी बसे हुए हैं। पढ़ाया था ओहों सबसे बड़े बोकर, ये चेतिया, उसके बाद में छोटे छोटे जो ट्राइब हैं जो ओहों से निकले हुए हैं। बोडो और ओहों 2 मेजर ट्राइब टाइम है, उसमें से छोटे छोटे जो ट्राइब्स हैं, लेकिन मेजर जो हैं ये 2 ही हैं। उसके बाद में सिक्किम में लिपचा जो है सिक्किम में ट्राइब है, भुटिया भी है, भुटिया उससे थोड़ा कम है, लिपचा जो है वो ज़्यादा है, संख्या में ज़्यादा है। लिपचा एंड भुटिया 2 में कई दफा सवाल आ चुका है। नागालैंड में ज्यादा है, नागालैंड के नागास का 2-3 मेजर ट्राइब है। उसके बारे में एक दफा दिल्ली टेस्ट में क्वेश्चन आ चुका है। सीमा ट्राइब है, अंगामी सीमा, 4 मेजर ट्राइब है, और सीमा, कोनियक, अंगामी, ये मेजर ट्राइब। ऊपर जो एरिया है वहाँ कोनियक लगते हैं, कोनियक भी उनका एक मेजर ट्राइब है। तो नागालैंड में 14-15 ट्राइब है, लेकिन इम्पोर्टेंट यही है। टोडास नीलगिरी ट्राइब बताए हैं, ये बार बार आ रहे हैं और ये गलत तो नहीं होनी चाहिए। आगे आ गया खुजराहो मंदिर, मध्य प्रदेश में है, बहुत बार सवाल आ चुका खुजराहो मध्य प्रदेश, और इसे चंडेल वंश ने बनाया है। खुजराहो मध्य प्रदेश इसे चंडेल वंश ने बनाया है 10वीं और 11वीं शताब्दी। एलोरा मंदिर जो है वह है महाराष्ट्र
में औरंगाबाद के डिस्ट्रिक्ट में भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर इलोरा मंदिर, इलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में है। बम्बे के समुद्र तट से तकरीबन 1500-16 किलोमीटर सागर के अंदर है। एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा गुफाएं कहते हैं, इसे त्रिमूर्ति भी कहते हैं, त्रिमूर्ति। इन दोनों का निर्माण जो है वो राष्ट्रकूट वंश ने किया है, राष्ट्रकूट वंश ने किया है, अलोरा और एलिफेंटा गुफाएं। लेकिन अजंता की जो गुफाएं हैं इनका निर्माण गुप्त वंश ने किया है, इनका निर्माण गुप्त वंश ने किया है। ये मंदिरों में बार बार आ रहे हैं अजंता और अलोरा महाराष्ट्र में, जैसे तिरुपति और स्थान पूछा तो मदुरई। भारत की सबसे लंबी NH 44 श्रीनगर टू कन्याकुमारी, भारत की सबसे लंबी NH, अगर सवाल आए NH मतलब नेशनल हाईवे, तो नेशनल NH 44 भारत की सबसे लंबी NH। बेटा GT रोड या शेरशाह सूरी मार्ग, GT रोड कोलकाता टू अमृतसर पहले होती थी, जब शेरशाह सूरी ने बनाई कलकत्ता टू पेशावर, तो GT रोड जो है भारत की सबसे लंबा मार्ग है, सड़क है जिसको सड़क कहते हैं। लेकिन राष्ट्रीय मार्ग जो नेशनल हाईवे NH रखा हुआ है इन्होंने, तो अगर सबसे लंबी NH है तो NH 44 बनने से पहले भारत की सबसे लंबी NH थी NH 7। बार बार सवाल आता है, अभी NH 7 नहीं है, वाराणसी टू कन्याकुमारी सवाल आ सकता है, NH 7 कहां से कहां जाती है, यात्रा बताइए, बताई थी और सवाल भी डाला था, डिब्रूगढ़ टू डिब्रूगढ़ से जाती है, वो डिब्रूगढ़ से स्टार्ट होती है, श्रीनगर टू कन्याकुमारी नहीं है, डिब्रूगढ़ से है। चार मीनार जो है वह हैदराबाद में है, हैदराबाद अभी तेलंगाना में है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, चार मीनार। चार मीनार के बारे में एक और सवाल भी आ रखा है, इसकी स्थापना जो है इसका संस्थापक कौन है, कुतुब शाह, कुतुब शाह ने इसका निर्माण किया, कुतुब शाह, सवाल बहुत बार आ चुका है। उसी एरिया में एक और जो सलार जंग है, ऐसे आता आदमी के ऊपर एक मूर्ति जो है, ऐसे लगता है कि आदमी को मार ही देगा वो, उसका नाम है सलार जंग म्यूजियम, सलार जंग म्यूजियम, सवाल आ चुका है। सलार जंग म्यूजियम भी चार मीनार के नजदीक हैदराबाद में है, सलार जंग म्यूजियम और चार मीनार। चार मीनार का कब मैक्सिमम बार सवाल आया है, विक्टोरिया मेमोरियल जो है कोलकाता में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल विक्टोरिया मेमोरियल, बहुत बार सवाल आ चुका है। विश्व में 7 महाद्वीप हैं, कल भी पढ़ाया था, रोज पढ़ा रहा हूँ, 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, इसको फिर गड़बड़ते हो, सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया, सबसे बड़ा द्वीप आए तो ग्रीनलैंड,
गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, फिर आ गया बनसागर बांध। बनसागर बांध तभी मैंने आपको जब बांध कराता हूँ तो कहता हूँ कि ये बार बार आए हैं, सोन नदी के ऊपर मध्य प्रदेश में है। ये जो आग बुझाने का यंत्र है जिसको फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, हमारी एकेडमी में भी लटकाए हुए हैं, काफी आपने देखे होंगे, इसमें जो गैस इस्तेमाल की जाती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो आग को बुझाने के लिए काम आती है। फायर एक्सटिंग्विशर जो है, फायर एक्सटिंग्विशर फायर को एक्सटिंग्विश करने वाला, फायर आग को बुझाने वाले, वो एकेडमी में लटकाए हैं 5-7-15, हर एक फ्लोर में हमने 3-4 लगाए हुए हैं, तो 16 है वो एकेडमी में लगाए हुए फायर एक्सटिंग्विशर। वो है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस भरी हुई है, WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा, सवाल इस बार आ जाना क्योंकि WHO बहुत कम कर रहा कोरोना के बारे में, तो WHO का हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, गोवा को भारत ने 19 दिसंबर 1961 में मुक्त करवाया। गोवा को भारत ने 19 दिसंबर 1961 को मुक्त कराया। ये भी सवाल बार बार आ रहा है। और गोवा पर पुर्तगालियों ने 1510 में कब्जा किया। युद्ध में बार बार आ रहे हैं और कहां से उसने निकाल कर देना यार, तो प्लीज मेहनत करो। तो वो है परमवीर चक्र, PVC जो है वो अभी भी मैं कह रहा हूँ